गाजा में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे इसराइल के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। वो इसलिए कि एक तरफ जहां आईडीएफ गाजा की गली गली घूमकर हमास का सफाया करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्ला देखते ही देखते उस पर आग के गोले बरसा रहा है। हिजबुल्ला के पास इजरायली सैन्य अड्डों की खुफिया जानकारी अब पहुंच चुकी है, जिसके दम पर वो लगातार इजरायल में बने आईडीएफ के ठिकानों को दहला रहा है। हालांकि इजरायली सेना फिलहाल बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है, वो हिजबुल्ला के हमलों का या तो जवाब दे रही है या फिर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हिजबुल्ला ने अल राहेब मिलिट्री साइट पर इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर एक बहुत बड़ा हमला किया है, और इस हमले के बाद करीब 10:25 पर हिजबुल्ला ने रोइसत अल कर्न साइट पर भी रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने दोपहर में करीब 12:25 पर मैतुला सेटलमेंट पर भी इजरायली सैनिकों के ऊपर भारी गोला बारूद फायर किया है। इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि शलोमी और पश्चिमी अल जलील के बीच एक रिहायशी इमारत पर एक रॉकेट गिरने से वहां आग लग गई, और एक रॉकेट अरब अरामशा में जाकर गिरा है, जिसके बाद शाम होते होते हिजबुल्ला ने अल इबाद मिलिट्री साइट पर भी एक बड़ा हमला कर दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने डैन सेटलमेंट में भी एक चेक पॉइंट पर हमला किया है। और इसके बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने आईडीएफ की 146वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर पर अबीरिम में कत्यूशा रॉकेट्स का एक जत्था फायर कर दिया, और इस हमले के बाद जापीरा बैरिक्स पर हिजबुल्ला ने कत्यूशा रॉकेट का एक जत्था फायर किया, और इस हमले के तुरंत बाद हिजबुल्ला ने मैतात बैरिक में बने आईडीएफ की इंटेलिजेंस यूनिट 8200 पर भी रॉकेट्स का एक पूरा जत्था फायर कर दिया है। वहीं हिजबुल्ला के इन हमलों को लेकर आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्ला ने उत्तर पर कम से कम 100 रॉकेट दागे हैं, और एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले में आईडीएफ का एक जवान घायल हुआ है। वहीं अबीरिम के पास पश्चिमी गलीली में भी हिजबुल्ला ने 30 रॉकेट्स का एक जत्था फायर किया है। इसके बाद गलीली पनहंदेल एरिया में भी हिजबुल्ला ने करीब 30 रॉकेट दागे, जिसकी वजह से कफार शोल्ड इलाके में आग लग गई। इजरायली सेना का कहना है कि रॉकेट हमले की दूसरी लहर में करीब 30 रॉकेट अरब अल अरामशे इलाके में गिरे, जबकि 10 रॉकेट मतात इलाके पर दागे गए। इनमें से कई रॉकेट खुले इलाके में जा गिरे, जिनमें कोई हताहत नहीं हुआ है। और हिजबुल्ला के इन हमलों के जवाब में इजरायली जेट्स ने लेबनान के खारिबे आयात अशहाब में कई हमले किए। आईडीएफ के मुताबिक हौला, आयात अशहाब और मरवाइन में हिजबुल्ला के ठिकानों वाली बिल्डिंगों को निशाना बनाया गया।